मेरा नाम राकेश राम अवतार तिवारी। जब प्रशासन ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए आई थी, उन्होंने धीरे धीरे ऊपर का पहले मंजिला ऊपर का तोड़ा, बाद में धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग गिरा दी। मैंने प्रशासन के सभी नगर पालिका के जितने भी आदमी थे उनको सबको मैंने ये सीनियर सिटीजन के बारे में बताया था। उन्होंने इनके बारे में आके देखा भी, मगर कोई कुछ नहीं कार्रवाई किया। पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग इन्होंने तुड़वा दिया। आज 9-10 महीना होने आया बिल्डिंग टूट के, प्रशासन आज तक कोई देखने नहीं आया, ना नगर सेवक आया, ना कोई भी, ना घर मालिक आता है देखने, ना कुछ नहीं। घर मालिक को भी मैंने बोला था कि भाई इनका कुछ कर दीजिए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज ये अपने टूटी हुई बिल्डिंग पे रह रहे। मैं 10-15 फुट की सीढ़ी लगा के ऊपर खाना देने आता हूँ, खाना देता हूँ, खाना उनको पानी ला के देता हूँ, जो उनकी जरूरत की सेवा है वो मैं करके जाता हूँ। मेरा कहना यही है कि नगर पालिका ने अगर बिल्डिंग तोड़ा तो तोड़ना था उनको पूरा, तोड़ना पूरा बिल्डिंग तोड़ना चाहिए था, या तो फिर इनका कहीं बंदोबस्त कर देना चाहिए था। मेरा लाख बोलने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ना घर मालिक किया, ना नगर पालिका ने किया। अब आप ही बताइए कि मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊँ और कहाँ कहाँ किससे किससे गुजारिश करूँ। परिवार का कोई जो सदस्य है जो यहाँ पर इनके देखभाल के लिए आता है, ऐसा कुछ कोई कोई नहीं आता है। 8 साल से इनके परिवार का कोई भी सदस्य इनको देखने नहीं आता है, जो कि मैं अगर इनके परिवार के पास गया भी था इनके बोलने के लिए कि भाई आप इनका ध्यान रखिए, तो उन लोग ने सीधा मुझे मुंह पे बोल दिया कि अगर ये मर भी गए तो मुझे खबर देने तक का नहीं आना। अच्छा। और मैं मान्यता के हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पड़ोसी था वहाँ। आज पड़ोसी के हिसाब से मैं आज कर रहा हूँ, बचपन से इनके घर में खेला कूदा, इनके हाथ से कर रहा हूँ। आज यही है कि बस 2 रोटी अगर आदमी अगर खिलाने से किसी का भला होता है तो वो मैं कर रहा हूँ। किस तरह से ये रहते हैं, आपने पूरा देखा होगा इनको। परिस्थिति तो यही है कि ना तो इनके घर में पावर है जब, और ना ही इनका कोई साथी है। आज भी इन्हें याद आती है तो अपने पत्नी को पकड़ रोते है। तबलीग ये है कि इनको रात में चूहा छिपकली हैरान करती है, रात भर कौन इनका देख रेख कर सकता है। इनकी तबलीग यही, इनका ना तो लैटरिन हो पाता है ना बाथरूम होता है। बेचारे खुद ही अपने हाथ से बाथरूम करते, खुद ही हाथ से अपना लैटरिन साफ कर देते हैं। इनका कोई कुछ करने वाला है। मेरा कहना यही है कि इनको अगर सुविधा मिल जाए तो ये आज भी सही ढंग से रह सकते हैं। इनकी उम्र कितनी होगी? 98-99।